दौलामेटी से लावा तक सड़क का चौड़ीकरण निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और पुलियों का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन दौलामेटी हिल टॉप, फाले लेआउट, मोवाड़ी लेआउट, तिजारी लेआउट, मंडपी लेआउट, पालकर नगर और आम्बेडकर नगर, इन क्षेत्र के बारिश का पानी जाने का एकमात्र तरीका बिरसा मुंडा ध्वज के पास लखननाथ चौक से श्री अमरनाथ यादव के घर तक का सड़क पुल का निर्माण बीते 4 महीने से कछुआ गति शुरू है। हालांकि जब से यहां पुलिया को ऊपर उठाने के बजाय 3 से 3.5 फीट की सड़क बनाई है और फुटपाथ का व्यास कम है, फुटपाथ के माध्यम से बारिश के पानी के गुजरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पानी पड़ोसी के घर में जाने की संभावना है, जो गंभीर समस्या है। इस संदर्भ में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और शिकायत करने पर अधिकारी संबंधित कंपनी ठेकेदार की ओर से बात कर रहे हैं। ऐसी नाराजगी स्थानीय नागरिकों ने व्यक्त की है। इस संबंध में गंभीर दखल लेकर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि स्थानीय नागरिकों को न्याय मिले और सक्षम पुल बनाने का प्रयास किया जाए। पुल निर्माण कार्य को जल्दी निपटाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग लापरवाही कर रहा है, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता वाणी शिलारी ने व्यक्त की है। निवेदन जिला परिषद सदस्य ममता थोपटे के नेतृत्व में दौलामेटी ग्राम पंचायत सरपंच रीता उमरेडकर, उप सरपंच प्रशांत केवटे, सदस्य बाड़ू ढोकी, राजकुमार बोधुले, स्थानीय निवासी रेखा वैद्य, सूर्यकांत इंगरे, प्रेम पवार, राजेश सांदीकर, शीला इंगरे, शांति शेट्टी, सुषमा टोपे, उषा गजबी, सरला साखरे, चंदा चवरे, पूर्णिमा वासनिक, नीलिमा नारनवरे, ललिता वाहनी, संगीता शिंदे, इन्होंने निर्माण विभाग के चीफ अभियंता को मांग की। इस समस्या के संदर्भ में ग्राम पंचायत दौलामेटी में भी शिकायत दर्ज की गई है। निवेदन की प्रत पालक मंत्री, जिलाधिकारी तथा मंत्री सुनील केदार को भेजी गई। कारण की पुलाच्या वरती एवढं पाणी जायचं, पूर्ण गाड्या पूर्ण जाम लागून जातात। पहिले होतच पुल्या बनवू म्हणे, आम्ही मग काम चालू केलं तर हे रोखलं होतं। आम्ही हे रोखल्याच्या नंतर यायन आम्हाला जाऊ दिलं, आतमध्ये संध्याकाळी काम केलं यायन। हे वाला काल बी आलो आम्ही, मग रोखलं, मेंबर लोकांनी बोलावलं, हे थांबून गेलं काम। मग आलो आम्ही, अजून काल मग माहित पडलं की इथं नाही हे टाकल्या म्हणून। मी म्हटलं इथं हे नाही पाहिजे होतं, तर तुम्हाला समजते का? आम्हाला समजते म्हणे तर नाही पाहिजे होत, सगळ्या गावाचा पाणी इकडेच येत आहे, तिकडे नाही येत आहे। डॉक्टर माहिती आली होती, साहेब आले होते, सगळे मेंबर आले माहिती। त्यांचं काय बोलणं आहे? त्यांचं काय नाही, बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।